मतलब ये मानिए डबल फटका हो गया यहाँ पर। अब कभी कभी तो ऐसा होता है ना, मूड मूड ऑफ कर देते हैं कभी कभी तो। और ये है इनक्रेडिबल इंडिया, आपको पूरे वर्ल्ड में ये कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। नमस्कार, बैक टू बैक ट्रेन जर्नीज करने के बाद, बैक टू बैक वंदे भारत में व्लॉगिंग करने के बाद आज फाइनली मौका आया है, और ना जाने कितने बाद कितने दिन बाद आपके लिए एक वॉल्वो की बस जर्नी, और ये भी लग्जरी वन, एंड दिस इज 9600। आपको पता ही होगा बहुत रिसेंटली इसको इंडिया में लॉन्च किया गया है। शुरू करें, देखिए आपको स्टाइल पता तो है। इस वाले व्लॉग की शुरुआत होने जा रही है कोयम्बटूर से, जिसको कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। तो चलिए हेडफोन लगाइए, डिवाइस को कीजिए फुल स्क्रीन, और अगले कुछ टाइम के लिए सब कुछ भूल जाइए। मैं हूँ आपके साथ, आप हैं मेरे साथ, और हम दोनों हैं इस बार वॉल्वो के साथ। पता नहीं कितने टाइम बाद, लगभग एक या दो, लास्ट अगर आपको याद हो लास्ट मैंने जो बस जर्नी की थी वो थी KSRTC की अंबारी। और जितनी भी बस जर्नीज की हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, देखिए जितनी बस जर्नीज देखना चाहें। तो चलिए एक लाइक के साथ इस वाले धमाकेदार व्लॉग की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है डोलेश, और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज, आपके लिए एक बस जर्नी, और आई गेस ये हो गई मेरी दूसरी वॉल्वो 9600। चलिए एक और सफ़र की शुरुआत करते। करंट वक्त कुछ दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। जो मेरी बस है कोयम्बटूर टू हैदराबाद की, वो है 4 बजे की। तो फिलहाल यहाँ थोड़ा बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। और अगर आप कोयम्बटूर से हैदराबाद के लिए बीच बस जर्नी ट्रैवल प्लान कर रहे हो तो व्लॉग को पूरा देखिएगा, कॉस्टिंग इंटीरियर वगैरह सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। आपको लोकेशन बता दूं, मैं हूं ओमनी बस स्टैंड, अगर आप देखोगे यहां पर स्वामी अय्यप्पा ट्रैवल्स का ये ऑफिस है जिनके साथ आज मैं जर्नी करने वाला हूं। इस तरह अगर आप देखोगे पिंक कलर आप कह लीजिए, ये बस भी कोयम्बटूर टू हैदराबाद जा रही है। अन्ना बता रहे हैं ये है 6 बजे की, जो मेरी बस है वो है 4 बजे की। ब्लू एंड वाइट कलर बता रहे हैं, तो थोड़ी देर में वो बस आएगी और फिर यहां से जर्नी की शुरुआत करेंगे। देखते हैं, इसके काफ़ी अच्छे फीडबैक आए थे कि भैया कोयम्बटूर से अगर ट्रैवल प्लान बना रहे हो तो ये वाली बस जर्नी करना ज़रूर, काफ़ी सब्सक्राइबर्स के कमेंट आए थे। बट आप ये लोकेशन देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे बसेज ही प्राइमो, आप देख सकते हो ना जाने कितनी AC, नॉन AC, स्लीपर सीटर सब तरह की बसेज आपको यहाँ मिलेंगी। आप देखिए एक से बढ़ के एक बस खड़ी है, बट ये वाली देखिए 9600 क्या ज़बरदस्त लगती है। मेरी बस आ जाए फिर आपको सब कुछ दिखाएंगे, इंटीरियर वगैरह सब कुछ आपको बताया जाएगा। देख रहे हो कभी कभी ऐसा मूड ख़राब होता है, एकदम से हालात पलट दिए, पूछिए मत। जो बस 4 बजे थी 9600 वो यही वाली बस थी। अब बता रहे हैं इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, इसलिए इस बस को, ये बस जाएगी 6:15 बजे, और जो 4 बजे जानी थी वहाँ डाल दी B11R। और मैं कोयम्बटूर आया था इस बस में 9600 में ट्रैवल करने के लिए, तो अब यहाँ पर 6:15 तक वेट करना है। जो 4 बजे वाली थी उसमें टिकट कैंसिल की है, अब इसमें टिकट बुक की है बिल्कुल लास्ट वाली, और वो भी दोनों, मतलब ये मानिए डबल फटका हो गया यहाँ पर। अब कभी कभी तो ऐसा होता है ना, मूड ऑफ कर देते हैं कभी कभी तो। और देखो अब बस स्टार्ट कर दिए, अभी क्या इसमें बता रहा हूँ कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, बस दुआ कीजिएगा कि बस 6:15 बजे यहाँ से निकल जाए, बिकॉज मेरे को हैदराबाद कैसे भी कल पहुँचना है। 9600 में ट्रैवल करना है। B11R तो मैं आपको ऑलरेडी कितनी दिखा चुका हूँ यार। चलिए अभी करंट 4:30 हुए हैं, लगभग 2 घंटे अब मेरे को यहीं ओमनी बस स्टैंड के पास इंतज़ार करना पड़ेगा। कभी कभी तो दिन इतना ख़राब होता है, और वो ट्रैवल में ना ये सीख लीजिए यही होता है, छोटी सी मिस्टेक या कुछ भी होगा ना, मतलब आपके पैसे खर्च होंगे। मैंने एक बंदे की टिकट ली थी, वो तो क्या रिफंड आएगा, अब मैंने लिए 2 बंदों की, पूरी कहानी आपको आगे बताऊँगा। चलिए देखते हैं, अब इंतज़ार करते हैं पहले। करंट वक्त 5:45, और आप देखिए बस की जर्नी थोड़ी देर में शुरू होने जा रही है, और ये है इनक्रेडिबल इंडिया, आपको पूरे वर्ल्ड में ये कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। जर्नी की शुरुआत से पहले देख लीजिए ड्राइवर अन्ना, यहाँ पर हमारे कंडक्टर दादा, ये बस की पूजा करते हुए यस, ये देखिएगा, और ये नारियल फोड़ते हुए यस, हमारी जर्नी सब सही हो। बिकॉज मानिए जो कंडक्टर दादा हैं, जो ड्राइवर दादा हैं, जो इनका घर चल रहा है, आप समझते हैं ना, दे आर ऑन ड्यूटी, इनका घर चल रहा है, वो इसी से चल रहा है, तो उनके लिए यही ऑफिस है, यही बस घर है, सब कुछ इनके लिए यही है, तो इनके लिए ज़ोरदार लाइक बनता ज़रूर है। और जब ऐसा कुछ देखने को मिलता है ना जो इंडिया को शो करता है, रियल इंडिया, वो आपके सामने। फाइनली गुड टू गो, फाइनली मैं एक गहरी सांस ले सकता हूँ, आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ
9600 में, यस। चलिए सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब आपको दिखाना बनता है पूरा इस लग्जरियस बस का इंटीरियर। ये देखिए, मैंने आपसे कहा ना B11R मैंने इसलिए छोड़ी। आप ये देखिए, टोटल पैसेंजर कैपेसिटी इसका हो गया 41। आप देखोगे कलर कॉम्बिनेशन वगैरह देखिए, और अगर आप सीट देखोगे ना, ये है 9600। यहाँ पर आपको मिलेगा USB चार्जिंग पॉइंट, देख लीजिएगा। ऊपर AC फ्लैप्स हो गए, रीडिंग लाइट्स वगैरह, यहाँ पर लगेज वगैरह सब कुछ रखने के लिए। TV इसमें मिसिंग है, आपको यहाँ पर ब्लैंकेट दिया गया है, पिलो दी गई है, पानी की बॉटल भी आपको आगे दी जाएंगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वॉशरूम ऑन बोर्ड नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिए, नई बसेस आ रही हैं बट फिर भी वॉशरूम ऑन बोर्ड नहीं है। ये आपको साइड लोअर दिखा दूँ, ठीक है, इस तरफ ये हो गई साइड अपर। जो मैंने पहले टिकट बुक की थी वो की थी मैंने साइड अपर, ताकि आपको आगे से नज़ारे दिखाऊं, बट खैर कोई बात नहीं। और ये इस तरह देख लीजिएगा डबल का, अगर आप कपल में या ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं। और इस बार देखो, मैंने टिकट बुक की है लास्ट मोमेंट पे, तो आपको बता दूं मैंने ली है ये वाली L19 और 20। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम है वॉल्वो में लास्ट में ट्रैवल कर रहा हूं, तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा ये आपके साथ ज़रूर शेयर करना है। यहां पर देखिए लास्ट में CCTV कैमरा भी नहीं है, खैर कोई बात नहीं, बट आप देखिए कलर कॉम्बिनेशन वगैरह, साफ़ सफाई वगैरह आप देखिए। और आपसे कहना जिस भी रूट पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आपको वॉल्वो 9600 मिलती है उसे ही बुक कीजिएगा, बिकॉज इसमें आपको मिलेगा मल्टी एक्सल, प्लस आपको जो यहाँ कंफर्ट मिलता है ना उसका बिल्कुल मज़ा ही अलग है। आपको इंटीरियर कैसा लगा ज़रा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर TV स्क्रीन ऑन होती ना एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा और मज़ा आता, खैर कोई बात नहीं। चलिए इंटीरियर आपके सामने, जर्नी की शुरुआत होने जा रही है। अभी पैसेंजर्स आएंगे, पैसेंजर्स बोर्ड करेंगे, लगेज वगैरह बोर्ड किया जाएगा। कोयम्बटूर टू हैदराबाद आपको बता दूँ डिस्टेंस अराउंड 1000 किलोमीटर्स, टाइम लगेगा 15 से 16 घंटे। जर्नी शुरू होनी थी 4 बजे, जर्नी शुरू हो रही है 6:30, बट होपफुली मैं हैदराबाद कल सुबह ऑन टाइम पहुंचाऊं। कंफर्ट वगैरह कैसा रहेगा, और आप इस रूट पर ट्रैवल प्लान कर रहे हो, कहां बस रुकेगी, रेस्ट स्टॉप्स वगैरह सब कुछ आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा। बट आप कलर कॉम्बिनेशन वगैरह देखिए कितना सही। आई गेस राइट नाउ वॉल्वो 9600 इंडिया में आई गेस 15 से 20 बसेज अभी आई हैं, अभी तो और बसेज आने वाली हैं ऑन रोड। देखिएगा ये देखिए, थोड़ा बहुत यहाँ टाइम लगेगा, बट चलिए एक और बस जर्नी की यहाँ से शुरुआत करते हैं। और कोयम्बटूर से ही कोई व्लॉग देख रहा है ज़रा कमेंट करके बताइएगा, ड्राइवर अन्ना से भी बातचीत करेंगे, थोड़ा और समझेंगे, रूट जानेंगे कि हमारी बस कहाँ कहाँ से जाने वाली है। इस तरह देख लीजिएगा, इस साइड और आपको दिखा दो, ये देखिए एकदम मस्त। कोयम्बटूर से निकले, लगभग अभी 1 घंटा हुआ है, और देखिए गाड़ी अभी ट्रैफिक में ही चल रही है। फर्स्ट क्लास AC चल रहा है, कुछ पैसेंजर्स, मैं कहूँगा 5 से 10 पैसेंजर्स ऑलरेडी बोर्ड कर चुके हैं। अब अलग अलग बोर्डिंग पॉइंट्स भी आएंगे, अब देखते हैं हाईवे कितनी देर में आने वाला है, और ये भी देखना होगा डिनर पॉइंट कितने बजे आएगा। अब ये बस जाएगी लगभग मान लीजिएगा नॉन स्टॉप, तो फिलहाल यहाँ और कुछ है नहीं। और आप देखिए है ना, बस में आप एकदम फर्स्ट क्लास कंफर्ट देखिए। फिलहाल तो ये वाली सीट खाली है साइड लोअर, तो फिलहाल मैं यहाँ आकर बैठ गया हूँ, बट देखते हैं होपफुली रात को लास्ट वाली सीट पे नींद आ जाए। मतलब मैं ये सोच रहा था कि आज का दिन गया ख़राब, मैं जा रहा हूँ अपने होटल, बट वही है, कभी भी ऐसा होता ना, थोड़ा दिमाग को ठंडा रखें और आगे का प्रोसेस स्टार्ट करें। फाइनली बस मैं यही चाहता था मैंने बस बोर्ड कर ली और मैं जा रहा हूँ टूवर्ड्स हैदराबाद। आपके लिए छोटा सा होमवर्क, हैदराबाद का एक निक नेम है, अगर आपको जवाब पता है ज़रा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कीजिए, और जितने BTS हैं आपको वो देखने को मिलेंगे फेसबुक पर, तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। बस जाएगी बिल्कुल धीरे धीरे धीरे, अब देखते हैं आगे। Thank you.
जर्नी की हमने शुरुआत की थी शाम को 6 बजे, राइट नाउ इट इज 9 o'clock। 3 घंटे की नॉन स्टॉप के बाद, रन के बाद अब हम पहुंचे हैं सांगीगिरी तमिलनाडु, और अब हमने लिया है डिनर ब्रेक। पीछे अगर आप देखोगे तो स्टॉप है आनंद भवन, और यहाँ पर आप देख लीजिएगा हमारी बस। सबसे पहले आपको कॉस्टिंग बता दूँ जो मैंने पे किया है, बिकॉज मैंने 2 सीट ली है तो मैंने पे किया अराउंड 5,500 पर पर्सन आप मान लीजिए, बिकॉज दिस इज़ वॉल्वो 9600, तो इसकी कॉस्ट है एक पर्सन की, 1 पर्सन अराउंड 3,300। यस, ये कुछ ज़्यादा ही महंगी है। आपको क्या लगता है 1,000 किलोमीटर्स का, ज़रा कमेंट करके बताइएगा। बस की ऑन रोड कॉस्ट बता दूँ, इंटीरियर विंटीरियर सब मिला के 2 CR to 2.5 CR, और आपको इसमें मिलेगा रेयर इंजन, ऑटोमेटिक गेट्स। उसके बारे में कोशिश करेंगे आगे बात करें। टेक्निकल डिटेल्स में आपको ये भी बता दूँ, डीजल कैपेसिटी है अराउंड 550 लीटर्स। अभी ये जाएगी नॉन स्टॉप बिकॉज फुल है। अन्ना बता रहे थे जब वापस आएगी तो वहाँ से बेंगलोर पे इसमें फ्यूल डाला जाता है, और बड़े दिन बाद नेशनल हाईवे के किनारे खड़े होके ब्लॉगिंग करके जो मज़ा आ रहा है। अगर आप देखोगे ना, थोड़े ही आगे टोल नाका है। अगर बाई एनी चांस यहाँ से कोई ये ब्लॉग दिख रहा है, ज़रा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, केयरफुल। थोड़ी सी पेट पूजा करेंगे ड्राइवर अन्ना। कभी कभी तो लोग इतने अच्छे मिल जाते हैं ना, ये क्या बोलते हैं लैंग्वेज मुझे समझ नहीं आता, बट हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है। ड्राइवर अन्ना कह रहे हैं भैया पहले कुछ खाना पीना कर लो। यस, रेस्टोरेंट अच्छा लग रहा है, टाइम है तो कुछ ना कुछ खाएंगे ज़रूर। आप देखिए रात को वॉल्वो बस क्या चमक रही है। तो ये देख लीजिएगा अंदर का इंटीरियर, रेस्टोरेंट कुछ ऐसा है, अच्छा लग रहा है मैं देखूंगा। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल हल्का खाएंगे, आपको बताया मैं डिनर में ज़्यादा नहीं खाता, तो यहाँ पर मैंने सादा डोसा लिया है। प्लस आप ये देखो, ये तमिलनाडु की स्पेशलिटी, ये कोकोनट चटनी, ये पता नहीं अगर आपको कौन सी चटनी है पता है, ये हमाली चटनी कुछ बता रहे थे। अगर आपको पता, 3 तरह की चटनी है आपको यहाँ पर अलग, अगर पता है तो ज़रा कमेंट करके बताइएगा। प्लस यहाँ पर ये एकदम सांभर हो गई है ना। अन्ना ये कौन सा चटनी, ये वाला कौन सा चटनी बताओ ना, चिली चटनी हाँ, खारा चटनी। चलिए थैंक यू अन्ना है, थैंक यू। ये ज़्यादा डोसा दिया है, और उसके साथ साथ मैंने कॉफ़ी भी ली है। तो फिलहाल डिनर एंजॉय करेंगे, डोसा एंजॉय करेंगे, ये है ज़िंदगी। आपकी सामने वहाँ पर बस खड़ी है, लग्जरियस बस, और तमिलनाडु के ढाबे के किनारे एक रेस्टोरेंट, ये हाईवे के किनारे आप एक रेस्टोरेंट पर अपना फर्स्ट क्लास डिनर एंजॉय कर रहे हैं। किसका मैच अन्ना, IPL किसका मैच? RCB बेंगलोर और लखनऊ। अभी कौन जीत रहा है? बेंगलोर जीत रहा है, क्या बात है। चलिए ज़िंदगी के मज़े आ जाते हैं, ट्रैवल करते रहिए, खाते रहिए और पीते रहिए। पहले डोसा ट्राई करेंगे, मज़ा आ गया। तमिलनाडु की एकदम गर्मा गर्म सांभर, कड़ा। उम्मीद है आप ये वाला ब्लॉग हल्की सी स्पाइसी है, उम्मीद है आप ये वाला ब्लॉग खाना खाते हुए देख रहे हो। भाई साहब पूरी बाल्टी दे रखी है, खाइए जितना खा सकते हैं। और लोग पूछते हैं भैया लगेज का, आपको बता दूँ हमारी बस खड़ी है, बट बस अब बस पूरी तरह से लॉक है, मतलब कोई अंदर नहीं जा सकता ना कोई बाहर आ सकता, तो आपका लगेज पूरी तरह से सेफ। अगर देखोगे उस तरफ आप देख सकते हो हमारे ड्राइवर अन्ना बैठ के भी अपना डिनर कर रहे हैं। 3 तरह की तो चटनी दी गई है, ये है साउथ का मज़ा, मज़ा आ गया है। सुबह भी मानिए मैंने डोसा ही खाया था, अब भी डोसा ही चल रहा है। डोसा खा लिया, मज़ा आ गया, और मैंने तो एक चपाती और ले ली थी, और कॉफ़ी ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी वॉल्वो 9600। मैं कोशिश कर रहा था ड्राइवर अन्ना से बात करने की, बट ड्राइवर अन्ना बोलते हैं कि भैया मेरे को हिंदी नहीं आता। मैंने कहा ठीक है भैया, फिर अब क्या करें, आगे कोशिश करेंगे बात करने की, बट प्लीज़ ध्यान रखिए वॉशरूम ऑन बोर्ड है नहीं, तो जहाँ भी बस रुक रही है वॉशरूम्स वगैरह यहाँ पर आप टॉयलेट्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। मैंने देखा थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, बट कड़क कॉफ़ी और नेशनल हाईवे NH 544, आपको और क्या चाहिए। गारंटी आपको बता दूँ, हम थे कोयम्बटूर, हम जा रहे हैं फ्रॉम तमिलनाडु टू हैदराबाद, यानी कि तमिलनाडु से ये होगी तेलंगाना की बस जर्नी। आपके लिए छोटा सा होमवर्क और, अगर आपको पता है कि तमिलनाडु में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं ज़रा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। बट मज़ा आ गया, रात को करीब 9:30 बजे एकदम कड़क कॉफ़ी चल रही है, दैट इज़ ऑल्सो विदाउट शुगर। लोग पूछते हो ये विदाउट शुगर पीते कहते हो, बट भाई मज़ा आता है, नींद उड़ जाती है, व्लॉगिंग करनी पड़ती है भाई, क्या करें।
ये कहना पड़ेगा जो इस बस में लाइट्स लगाई गई है ना, देखो लाइट्स ऑन करके अलग ही मज़ा आता। फिलहाल मैं आपसे कहूँगा, मैं हूँ बिल्कुल लास्ट सीट पर अगर आप देखोगे, बट दिस इज़ वेरी कम्फर्टेबल। सबसे अच्छी बात है फर्स्ट क्लास यहाँ पर एसी चल रहे हैं, बिकॉज मैं हूँ बिल्कुल लास्ट में, रेयर इंजन है तो इंजन की आवाज़ ज़्यादा है, बट ठीक है। मतलब सबसे अच्छी बात है कम्फर्टेबल जर्नी, बिकॉज पीछे क्या है गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, बट यहाँ नहीं लग रही, और मल्टी एक्सेल है, सो दिस इज़ कम्फर्टेबल। तो डे वन हमारा यहीं एंड होता है। आप थोड़ा बहुत आराम करेंगे, रात में तीन चार जगह बस रुकेगी वॉशरूम के लिए, ड्राइवर ना भी चेंज होंगे आई गेस सेलम से। सेलम हम पहुंचेंगे 10:30 के आसपास, फिर बैंगलोर, रूट मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए आप देख लो दोनों सीट मैंने बुक कर ली, बिकॉज़ यार क्योंकि देखो सामान रहता है सब, लैपटॉप वैपटॉप आप भी समझते हो, इक्विपमेंट पहले है, पैसा तो खैर मैनेज हो जाएगा, ठीक है ना। मिलेंगे आपसे अब सीधा कल सुबह, गुड नाइट। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे हैं कुछ 8:30 और अब हम पहुंचे, आपको बता दूं तेलंगाना, ये हो गया जडचरला। इस तरफ अगर आप देखोगे तो ये है नेशनल हाईवे 44 और सुबह सुबह एकदम कड़क कॉफ़ी। रात को मैं कहूँगा नींद उतनी अच्छी नहीं आई, बट खैर कोई बात नहीं, मतलब कभी कभी बस जर्नी में ये भी होता है, पता नहीं। बस बहुत कम्फर्टेबल है, सब कुछ अच्छा है, बट रात को नींद नहीं आई। और देखो यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए हमने ब्रेक लिया है, सांभर इडली डोसा वगैरह। देखो NH44 के किनारे आप माहौल देखो, माहौल ये अलग, आप पीछे बस देख सकते हो, वॉशरूम वगैरह सब पर लगभग 10 से 15 मिनट का ब्रेक यहाँ पर दिया गया है। देखेंगे अगर कुछ खाने, कुछ अच्छा खाने को मिलता है देखते हैं, बट आप देखिए यहाँ पर बाय एनी चांस अगर यहाँ से कोई व्लॉग देख रहा है ज़रा बताइएगा ज़रूर। तेलंगाना आपको बता दूँ मोर देन 30 डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे, गाड़ियाँ बस वगैरह सब आ रही हैं, थोड़ा सा केयरफुल, बट मज़ा आ गया। एक और जर्नी में मैं तो आपसे कहूँगा, और यहाँ से हैदराबाद हार्डली 100 किलोमीटर्स और, बट आप वाइब देखिए, सुबह सुबह कड़क कॉफ़ी मिल जाए भाई साहब, आपको और क्या चाहिए। और बस की आपको लेंथ बता दूँ, बस की लंबाई, बिकॉज दिस इज़ 9600, तो अगर आप देखोगे बस की लेंथ उस तरफ देखोगे ना तो दिस इज़ 15 मीटर, मतलब 15 मीटर आप कह सकते हो। यहाँ पर आप देख लो एकदम फ्रेश ब्रेकफास्ट बनता हुआ, और ये है इनक्रेडिबल इंडिया हाईवे के किनारे, आप देखोगे वहाँ पूरी सब्जियाँ हो गई, यहाँ पर आपको डोसा मिलेगा, सादा डोसा, मसाला डोसा, इडली है प्लस, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो बोंदा भी है। फिलहाल आपको बता दूँ मेरी कोई भी इच्छा नहीं है नाश्ता वास्ता करने की, एक बार मैं हैदराबाद पहुँच जाऊँ, एक बार होटल पहुँच जाऊँ, फिर वहीं आराम से ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। बट ये है इंडिया, ये देखो यहाँ पर आप हाईवे के किनारे देखो एक छोटा सा इन्होंने टेंट लगाया हुआ है, ये आपको कहीं और देखने को मिलेगा। देखो ये है इस कंट्री की स्पेशलिटी, आपको इस तरफ से दिखाता हूँ, ये देखो ये है एक कंट्री की स्पेशलिटी, ये देखो पक्की, मतलब पक्की दुकान भी नहीं है, देखो इन्होंने टेंट वेंट कुछ लगा रखा है, और यहाँ एकदम जुगाड़ चल रहा है। देखो वहाँ पेट्रोल पंप आप देख सकते हो, यहाँ पर पूरा ये सब देख लीजिए, कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर रुकी हुई हैं, आप देखोगे वहाँ पर हमारी बस है, बट ये अरेंजमेंट बहुत सही लगा, एकदम गर्मा गर्म फ्रेश वगैरह जो भी अगर आप टेस्ट करना चाहें, अगर आप इस बस में ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ पर आप अपना ब्रेकफास्ट भी एंजॉय कर सकते। हमारे संग हमारे ड्राइवर ना मौजूद हैं जो नाइट में ड्राइव कर रहे थे। हाँ जी। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और वॉल्वो आप कितने साल से चला रहे हो? मेरा नाम है सादिक बशा जी, मैं सेलम है, मैं वॉल्वो स्टार्टिंग से यानी मार्क 1 से रखूँ मैं चला रहा हूँ वॉल्वो।
अच्छा कम से कम 2004 से आप चला रहे हैं। और अन्ना इस वाली जो हमारा जो कोयम्बटूर टू हैदराबाद है, इस वाली बस का रूट क्या है, जरा व्यूअर्स जानना चाहेंगे। कोयम्बटूर से निकले तो सेलम, सेलम से कृष्णगिरी, धर्मपुरी कृष्णगिरी, होसूर, बैंगलोर, बैंगलोर से फिर आनंदपुर, करनोल, गुद्दी, गुद्दी करनोल, जज्जरला, हैदराबाद। अच्छा, और जो B11R है और ये है 9600, दोनों चलाने में मजा सबसे ज्यादा किस में है? इसमें ये थोड़ा नाइस ड्राइविंग है, एकदम कंफर्टेबल। सबसे मतलब इसका बेस्ट पार्ट क्या है ड्राइविंग का, जो नई ये बस आई है 9600, बेस्ट पार्ट क्या है इसमें? बेस्ट पार्ट मतलब बोलो तो ऐसी ट्रैवलिंग में कार के जैसा रहता है। अच्छा, अंदर ट्रैवल करने वाले एकदम मक्खन की तरह। और इसका हाईएस्ट स्पीड अन्ना कितना जाता है? हाईएस्ट स्पीड नहीं, हाई स्पीड से इसने अभी ओपन नहीं किया, अब तो गवर्नमेंट का रूल्स है ना, 80 दिया है। अच्छा, एक दो सर्विस के बाद में कुछ रूल्स अभी ये अप्रैल में ओपन होएगा, तो आपको बता दूं इन्होंने सुबह गाड़ी चलाई थी 5:30 तक, बराबर इन्होंने सुबह 5:30 चलाया था। अब ये वापस ब्रेकफास्ट हो गया अन्ना, अब ये वापस रेस्ट करने वाले हैं और फिर आगे आपका ड्यूटी होगा। चलिए, थैंक यू अन्ना, थैंक यू सो मच। ये देख लीजिएगा मॉर्निंग गेट, उनको क्या है हिंदी नहीं आता बट इनको आता है, तो इसलिए मैंने आपसे बातचीत कराई। जर्नी की शुरुआत एक बार फिर से हो चली है, दैट इज़ नेशनल हाईवे। अगर आप देखोगे नेशनल हाईवे 44 पर और वॉल्वो की जर्नी हो और आपको केबिन राइड नहीं दिखाई जाए ऐसा कैसे हो सकता है? देख लीजिए पीछे कंडक्टर अन्ना हमारे साथ, दोनों ड्राइवर अन्ना हमारे साथ। इसमें आपको मिलेगी ऑटोमेटिक गियर और अगर आप ड्राइविंग सीट देखोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल है, ऑटोमेटिक गियर्स हो गया, रेयर इंजन। तो अगर आप स्पेस वगैरह देखोगे कितनी यहाँ पर सही मिलती है। अन्ना हैदराबाद इधर से कितना टाइम और अन्ना? वन एंड हाफ आवर, करीब डेढ़ घंटा और, बट यही है थोड़ा कम्युनिकेशन में यहाँ पर ना, बट मज़ा आता है। ये लोग मतलब इतने हम्बल है, इतने प्यार से बातचीत करते हैं। नागपुर अराउंड 550 किलोमीटर्स यहाँ से, बट ठीक है सफ़रनामा चल रहा है, ठीक है ना। अब फिलहाल के लिए इतना ही, अब यहाँ से अब सीधी आपसे मुलाकात होगी हमारी डेस्टिनेशन। आप देखिए यहाँ तो केबिन में बैठ जाइए और यहाँ तो मज़ा ही अलग है। शुरुआत की थी कल शाम को 6 बजे, अभी बज रहे हैं बिल्कुल 10। आपको बता दूं मैं उतरा हूं राजेंद्र नगर, अंदर बता रहे हैं सिटी में बस अलाउड नहीं है, तो यहां पर पिकअप वैन है जो आपको लेके जाएगी लकड़ी का पुल तक, बट मैं पिकअप वैन में नहीं जा रहा, मैं अपना खुद का रिक्शा लेके जा रहा हूं यहां से होटल। अब यहां से मैं आगे कहां जा रहा हूं वो आपको देखना है अगला ब्लॉग। एक और जर्नी में वॉल्वो 9600 में ट्रैवल करके आ गया, मज़ा। आपको ब्लॉग कैसा लगा ज़रा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और जब तक आप ये वाला ब्लॉग देख रहे हो मैं हैदराबाद में नहीं हूँ, मैं कहीं और ही हूँ, ठीक है ना। बस हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और मेरे साथ वर्चुअली इंडिया घूमते रहिए। दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज। बिल्कुल मैं कहूँगा बिल्कुल बिफोर टाइम हम हैदराबाद पहुँच गए, ठीक है। यहाँ से पिकअप वैन जाएगी, अब देखते हैं यहाँ से का आगे का सफ़रनामा कैसा रहता। बस एक्सप्लोर करते रहिए, बिकॉज दिस इज़ #देखो अपना देश।